राज्य सरकार ने चलाया प्रदेश भर में नशा निवारण को लेकर एक माह का विशेष अभियान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से की अभियान की शुरुआत। हिमाचल में अब हर वर्ग के परिवार को मिलेगा मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन। प्रदेश में 100% कनेक्शन सुनिश्चित करने की अधिसूचना जारी। महिला मुखिया के नाम से करना होगा आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होंगी आसान। बोर्ड ने पेपर सेटिंग में किया बदलाव। अब अभ्यर्थियों से पूछे जाएंगे 40% आसान सवाल। पालमपुर बनेगा प्रदेश का तीसरा नगर निगम। प्रदेश सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। शीतकालीन सत्र में विधेयक आने की उम्मीद। केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के लिए 350 करोड़ रुपए मंजूर। कुलपति ने कहा 2 माह में शुरू होगा कैंपस का निर्माण कार्य। बिलासपुर का कोठीपुरा सरकारी स्कूल बना प्रदेश का पहला आधुनिक तरीके से हाजिरी लगाने वाला स्कूल। बच्चे लगा रहे बायोमेट्रिक से हाजिरी। विंटर टूरिस्ट सीजन में लग्जरी रेल कार का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। कालका शिमला ट्रैक पर 16 नवंबर से 15 जनवरी के बीच मिलेगी सुविधा। बुकिंग के लिए पहचान पत्र जरूरी। आईजीएमसी में तीसरा किडनी ट्रांसप्लांट 17 नवंबर को। ट्रांसप्लांट के लिए स्टेट ऑथोराइजेशन कमेटी ने दी मंजूरी। आईआईटी मंडी में कल होगे साक्षात्कार। हीरो मोटरकॉर्प विभिन्न ट्रेड के प्रशिक्षुओं और डिप्लोमा धारकों को देगी रोजगार के अवसर। रोहतांग में बर्फीला तूफान, घंटों फंसे रहे वाहन। आज प्रदेश में बर्फबारी की चेतावनी। 18 नवंबर तक मौसम खराब रहने की संभावना।